स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दीदी, तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर दीदी आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं तो आपसे निवेदन है कि पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, अमेजन पर दुनिया भर में बिकेंगी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद। जी हाँ, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को थाना कलाम से स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का मंच देने का शुभारंभ किया। विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के तैयार 51 उत्पाद के ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन पर बिकेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बिक्री के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना ग्रामीण विकास विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों में स्वच्छता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। अब हिमाचल के स्वयं सहायता समूहों को बाजार और खरीदार दोनों मिल गए हैं। अब महिलाओं को अपना हुनर बढ़ाना होगा ताकि क्वालिटी में कहीं कोई कमी ना रहे। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने फुटलैंड विश्व क्षेत्र में 36 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग संदीप भटनागर, निदेशक त्रिवेंद्र मिलिंद ठाकुर, सह निदेशक अनिल शर्मा, ADC डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, SADM विलास शर्मा, डॉक्टर अजय अंतरी मौजूद रहे। विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल उप चुनाव में भाजपा विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है। कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम सरकार ने दुगनी रफ्तार से प्रदेश का विकास किया है। ठाकुर ने दावा किया कि हिमाचल की 3 विधानसभा और मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ही जीत दर्ज करेंगे। आप सभी दीदियों से अनुरोध है कि दीदी प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके समूह में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो हमसे बात कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 6387877662। ये हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीदी दोनों हैं, मैसेज कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। आप सभी दीदियों से निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को जो भी हमारी दीदी या भैया देख रहे हैं, आपसे प्लीज़ निवेदन, अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं भैया या दीदी जी, आपके लिए यह चैनल बनाया गया। जी हाँ, प्रेरणा टीवी चैनल, जो दीदी हमारी DNRLM में जुड़ी हैं तो यह चैनल उन्हीं के लिए बनाया गया है। और दूसरा चैनल हमारा दीदी प्रेरणा टीवी चैनल शहरी है। अगर आपके घर पे या आपके रिश्तेदार में कोई शहर में रहता है तो हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा दें। जी हाँ, प्रेरणा टीवी चैनल शहरी को, क्योंकि उस चैनल पर आपको DNRLM से जुड़ी जानकारी दी जाती है। जी हाँ, राष्ट्रीय ग्राम शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी चैनल पर जानकारी दी जाती है, उसमें केंद्र सरकार से भी जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो चलिए दीदी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर निवेदन करूंगी कि प्लीज़ दीदी, अगर आपके रिलेशन में हो या आप खुद शहर में हैं, नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, प्रेरणा टीवी चैनल शहरी को। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय आजीविका।